नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्ट्री अड्डा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एनसीएल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी है, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और कितनी पेमेंट लग रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए वैकेंसी के बारे में बताएगी, जितनी भी इसमें जानकारी लिखी हुई है वो पूरी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही लिखी गई है। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सारी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, इसमें कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट है माइनिंग सिरदार और सर्वेयर की। ठीक है, इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर की। पेमेंट की भी लास्ट डेट 22 दिसंबर है। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो लग रही है वो 1180 रुपये लग रही है। एससी एसटी पीएच और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 फीस है, कोई फीस नहीं दे रही। इसकी पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी के भी थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट है 18 से 30 साल, और इसमें जो छूट मिलेगी वो आपको नोटिफिकेशन में जाके आप उसमें देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको पूरी पता चल जाएगी। देखिए टोटल वैकेंसी जो आई हुई है वो 405 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि साइन माइनिंग सिरदार की वैकेंसी जो है वो 374 है। पोस्ट वाइज देख लेते हैं, मतलब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जनरल में 149 है, एससी में 55 है, एसटी में 79 है, ईडब्ल्यूएस में 36 है, ओबीसी में 55 है। उसी तरह सर्वेयर की वैकेंसी है 31, जिसमें जनरल में 14 है, एससी में 4 है, एसटी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है और ओबीसी में 4 है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांग रही है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रही है? माइनिंग सिरदार में क्वालिफिकेशन है माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या उसका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसी तरह सर्वेयर की भी वैकेंसी है, सर्वेयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपको टोटल 405 पोस्ट होगी, और इसकी जो स्टार्ट फॉर्म है ये आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें रिटर्न होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल। रिटर्न जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका रिटर्न होगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वैकेंसी के बारे में बात आपको मतलब जानकारी दे दी गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।